बैक विद द न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उनके लिए जिनको माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके खेलना है अपने एंड्रॉइड फोन में। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च मारोगे माइनक्राफ्ट तो आपको पता चलेगा कि माइनक्राफ्ट ऑब्वियसली एक पेड गेम है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव्स बताने वाला हूं, जिनके डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक गेम के ग्राफिक्स के बारे में बताने वाला हूं कि उसका ग्राफिक कैसा लगेगा डाउनलोड करने के बाद, और उनके कंट्रोल्स के बारे में बताने वाला हूं, और वो गेम ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और उस गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं कि नहीं। तो एज ऑलवेज, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमिंग टू अ फर्स्ट माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव गेम जिसका नाम है कैंडी वर्ल्ड क्राफ्ट, जिसे डिज़ाइन किया है कैंडी रूम गेम्स ने। और अगर इसके रेटिंग्स की बात करूँ तो इस गेम को 5,00,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। गेम को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन है स्टोरी मोड का है, एंड जो सेकंड ऑप्शन है क्रिएटिव मोड का। स्टोरी मोड में बेसिकली आप पूरे शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब रात होगा तो आपको जॉम्बीज वगैरह देखने को मिलेंगे। और जो सेकेंड ऑप्शन है क्रिएटिव मोड का, उसमें आप खुद का मैप बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको कैमरा आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप TPP मोड और FPP मोड में स्विच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे आपको एक फ्लाई मोड का बटन भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई घर बना रहे तो ये फ्लाई मोड आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दो नीचे बटन्स देखने को मिलेंगे ग्रीन कलर के, जिससे आप अप एंड डाउन जा सकते हैं। ये गेम बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स रखे गए हैं सब अलग अलग कलर्स के रखे गए हैं, और यहाँ पे आप ट्रीज़ को भी देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स के ट्रीज़ हैं। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये गेम अभी बीटा बिल्ड में है, यानी कि इस गेम में और भी नए नए अपडेट्स आएंगे फ्यूचर में। और अगर आपको ये गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफलाइन गेम है, एंड इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। अब हमारे लिस्ट में जो सेकंड गेम है उसका नाम है ब्लॉकमैन गो। इस गेम का जो यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा है, लेकिन इसमें आपको स्टोरी मोड और क्रिएटिव मोड देखने को नहीं मिलेगा। ब्लॉकमैन गो को ओपन कर दें, आपको बहुत सारे मिनी गेम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप क्लिक करके किसी भी मोड में एंटर कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको फेमस गेम्स के टाइटल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसे आप खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप वाइस सिटी भी खेल सकते हैं, सर्वाइवल गेम भी खेल सकते हैं, और इनफैक्ट पबजी भी खेल सकते हैं, और यहाँ पे आपको द वॉकिंग डेड का भी टाइटल मिल जाता है। अब बस इतना ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारे मिनी गेम्स देखने को मिलेंगे, मतलब यानी कि आप ही सोचो कि एक गेम के अंदर बहुत सारे गेम। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे गेम्स के ग्राफिक बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप खुद का क्लैन बना सकते हैं, किसी और के क्लैन को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये गेम ज़रूर एक बार डाउनलोड करके खेलना चाहिए। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव गेम जिसका नाम है प्लैनेट क्राफ्ट ब्लॉक क्राफ्ट गेम, जिसे डिज़ाइन किया है प्ले लैब्स कंपनी ने। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, और साथ ही साथ इसे ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। नाउ प्रीवियस गेम की तरह इसमें आपको कोई मिनी गेम्स तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक प्योर माइनक्राफ्ट जैसा गेम है, जिसमें आप खुद का फार्म बना सकते हो, हाउस बना सकते हैं, और बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। इस गेम को ओपन करते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ग्लोबल सर्वाइवल मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, खुद का प्राइवेट मैप डिज़ाइन कर सकते हैं गेम का, क्रिएटिव ऑनलाइन रेंटेबल का भी मोड मिल जाता है, और साथ ही साथ रिन्यूअल का भी मोड मिल जाता है। आप सर्वाइवल सिंगल प्लेयर मोड भी खेल सकते हैं, क्रिएटिव सिंगल प्लेयर मोड भी खेल सकते हैं। अगर आपको खुद का मैप डिज़ाइन करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली प्राइवेट मैप्स पे क्लिक करना होगा, और माई ऐप्स पे क्लिक करके आप खुद का मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे बीच बीच में, और इनफैक्ट अगर आप किसी भी ब्लॉक को यहाँ पे तोड़ोगे तो आपको सेम टू सेम माइनक्राफ्ट जैसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 250 प्लस रेसिपीज़ देखने को मिलेंगे घर बनाने के लिए, 50 प्लस फूड्स के आइटम्स मिलेंगे आपको खाने के लिए, और 15 से भी ज़्यादा वेपन्स है, यानी कि पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट जैसा गेम है, और इसे भी आप प्ले स्टोर में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
अब हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव गेम आता है उसका नाम है मल्टीक्राफ्ट बिल्ड एंड माइन, जिसे डिज़ाइन किया है ओपन वर्ल्ड प्रोजेक्ट कंपनी ने। इस गेम को ओपन करते ही आपको यहाँ पे सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर और होस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंगल प्लेयर में बेसिकली आप ऑफलाइन खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर में आप किसी भी वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको खुद का सर्वर क्रिएट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ मल्टीप्लेयर ऑनलाइन खेलने के लिए, तो आप थर्ड ऑप्शन होस्ट सर्वर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये गेम पूरा का पूरा एक माइनक्राफ्ट का क्लोन है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रीज़ हैं, जो वाटर्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, सारे के सारे जो ग्राफिक्स है पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की जो हमारा हेल्थ है और फूड का सेशन है वो भी पूरा माइनक्राफ्ट जैसा सेम है। और यहाँ पे अगर हम किसी भी ब्लॉक से तोड़ते हैं तो जो एनिमेशन है वो भी पूरा माइनक्राफ्ट जैसा है, और इनफैक्ट उस ब्लॉक को तोड़ने के बाद आप उस ब्लॉक को कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको उस आइटम को फेंकना है तो आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना होगा, और अगर आपको इन्वेंट्री में जाना है तो यहाँ पे आप नीचे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वेंट्री है वो भी पूरा माइनक्राफ्ट जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो आप सेशन देख रहे हैं इसमें आप आर्मर भी पहन सकते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक रेसिपी बुक भी देखने को मिल जाता है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को क्राफ्ट कर सकते हैं। इस गेम का यूआई काफ़ी हद तक मिलता जुलता है माइनक्राफ्ट जैसा, और अगर आपने ओरिजिनल गेम खेला है तो आपको ये गेम बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये गेम पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट का क्लोन है। एंड नाउ कमिंग टू आवर लास्ट माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव गेम, जिसका नाम है रियल एम क्राफ्ट विथ स्किन एक्सपोर्ट टू माइनक्राफ्ट। ये भी एक सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट जैसा गेम है, और अगर आप सिंगल प्लेयर मोड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्रिएटिव मोड, सर्वाइवल और वर्ल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर आप क्रिएटिव मोड को सेलेक्ट करते हो तो आप हाउसेस और बिल्डिंग्स बना सकते हो और ख़ुद का मैप डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप सर्वाइवल मोड को सेलेक्ट करते हो तो सर्वाइवल मोड पूरा का पूरा सेम है क्रिएटिव मोड की तरह, लेकिन सर्वाइवल मोड में रात होते ही आपको ज़ॉम्बीज अटैक करने के लिए आपके ऊपर आएंगे। और अगर आपको बिल्डिंग्स, घर, फार्म ये सब नहीं बनाना हो तो आप थर्ड ऑप्शन वर्ल्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप अलग अलग सिटीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम का ग्राफिक भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो आप कैरेक्टर देख सकते हैं ये कैरेक्टर माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर नहीं है, बेसिकली डेवलपर ने किसी और का कैरेक्टर डाला हुआ है। और यहाँ पे आप इस बैग पे क्लिक करके इन्वेंट्री में जा सकते हैं, और आपके पास जो भी आइटम्स होंगे या फिर जो भी आइटम्स कलेक्ट करोगे सारे के सारे आइटम्स इस बैग के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और इस गेम में भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि शहर बना सकते हैं, खुद का मैप डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये गेम भी आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉप 5 माइनक्राफ्ट अल्टरनेटिव फॉर एंड्रॉइड का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ हर जगह शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा माइनक्राफ्ट का अल्टरनेटिव ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।